सो हाई गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन जॉब अलर्ट। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है गाइज, DHS नालंदा की तरफ से, ठीक है, नालंदा बिहार की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है और 288 के आसपास वैकेंसी निकली है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कुछ अदर पोस्ट के लिए निकली हुई है वैकेंसी, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे जॉब है यार, तो ये परमानेंट जॉब नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो स्पेशलिस्ट फिजिशियन, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, आयुष डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, बीएससी नर्सिंग, लेबोरेटरी प्रोविजन, आईसीयू टेक्नीशियन, वार्ड अटेंडेंट, ऑर्डरली, मल्टीपर्पज हेल्पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, नर्स GNM, नर्स ANM, इस टोटल जोड़ के 288 के आसपास वैकेंसी निकला हुआ है। इसका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और इसका जो इंटरव्यू है 1/6 से लेके 8/6 तक चलेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, चेकआउट कर सकते हो। कौन अप्लाई कर पाएगा? कैंडिडेट शुड पोसेस 10th क्लास पास हो, आपने डिप्लोमा करा है, ग्रेजुएट कर रखा है, BSc हो नर्सिंग से, B Pharma कर रखा है, BMS हो, MBBS हो, देन आप अप्लाई कर पाओगे इसके लिए। एज लिमिट 18 से 55 साल रखा गया है, ठीक है। जब इंटरव्यू लेने जाना है, वॉक इन इंटरव्यू है, देने जाने से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल और उसका फोटोकॉपी जरूर लगा के ले जाएं, ठीक है। आप सैलरी की बात करें तो आप देख लो, स्पेशलिस्ट फिजिशियन को 7,000 पर डे दिया जाएगा शिफ्ट वाइज में, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को डिप्लोमा 5,000 पर डे शिफ्ट वाइज में, जनरल फिजिशियन MBBS के लिए 4,000 पर डे दिया जाएगा, ठीक है, जो कि जबरदस्त फीस है। फार्मासिस्ट की 12,000 पर मंथ दिया जाएगा, नर्स BSc नर्सिंग वालों को 2,000 पर डे दिया जाएगा, लेबोरेटरी प्रोविजन को 12,000 पर मंथ दिया जाएगा, ICU टेक्नीशियन को 20,000 पर मंथ दिया जाएगा, वार्ड अटेंडेंट ऑर्डरली को 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, मल्टीपर्पज हेल्पर को 11,500 पर मंथ रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 14,430 रुपये पर मंथ रहेगा विद कंप्यूटर सेट, ठीक है। नर्स की बात करें तो 1500 पर डे दिया जाएगा, नर्स ANM में 1,000 पर डे दिया जाएगा। द सेलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द वॉक इन इंटरव्यू ओनली, रेफर्स डेट एंड टाइम वेन्यू, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने को है यार। तो जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है ये, ठीक है। तो देख लो, इंटरव्यू डेट वगैरह मैंने बताई दिया है। फॉर ऑल पोस्ट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू 11 AM एट द डिजिग्नेटेड वेन्यू, 11 बजे, सुबह 11 बजे से पहले ही, आधा घंटे पहले ही पहुंच जाना। द एड्रेस फॉर वॉक इन इंटरव्यू हैज बीन स्पेसिफाइड बिलो, तो ये एड्रेस दिया गया है, ठीक है। स्पेशलिस्ट फिजिशियन, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जनरल फिजिशियन को 31 मई 2021 को जाना है इंटरव्यू देने, आयुष डॉक्टर, फार्मासिस्ट को 1 जून को देने जाना है, नर्स BSc नर्सिंग, लेबोरेटरी प्रोविजन, ICU टेक्नीशियन को 2 जून को देने जाना है, फॉर वार्ड अटेंडेंट ऑर्डरली मल्टीपर्पज हेल्पर को 3 जून को जाना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 4 तारीख को, नर्स को 5 तारीख को, ANM नर्स को 7 तारीख को, और जो वेन्यू है, ऑडिटोरियम रूम लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ सिविल सर्जन ऑफिस इन द कैंपस ऑफ सदार हॉस्पिटल बिहार शरीफ, ठीक है, ये इसका लोकेशन रहेगा। इसके लिए देखो यार, आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लो, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से, या फिर nalanda.nic.in पे जाइए, देन होम पेज पे नोटिस पे क्लिक कीजिए, रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए नोटिफिकेशन COVID-19 हायरिंग फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, देन क्लिक ऑन इट एंड रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली। वैसे तो मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, बट इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं दे दिया। आशा करता हूँ आपके काम की जॉब होगी, नहीं है तो किसी दूसरे के साथ जो इसके काम की होगी उनसे जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।